बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, मीन्स चार्ज का बेसिक क्वांटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स जितना भी चार्ज है किसी भी सिस्टम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मिलके बना होता है। मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन हो, 40 इलेक्ट्रॉन हो, 50 इलेक्ट्रॉन हो, जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका चार्ज होगा, मीन्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹। क्या होती है? 1.6 × 10⁻¹⁹। याद रखनी है ये बात हमको, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैंने जो आपको बताया किसी भी सिस्टम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उतना ही चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही चार्ज होगा। बात को समझा जाए, जितने इलेक्ट्रॉन हो उतना चार्ज, मीन्स मान लो मेरे अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ही चार्ज कितना होगा 5 ही। किसी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही, 11 इलेक्ट्रॉन है 11 ही, और किसी सिस्टम में n इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या होगा Ne, क्या होगा चार्ज Ne। बात समझ में आई? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका चार्ज होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है, Q इक्वल्स टू Ne। अब ये चार्ज प्लस में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। ये Q क्या है? टोटल चार्ज। क्यू क्या है? टोटल चार्ज। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई आपको? क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, क्यू टोटल चार्ज, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वैल्यू होती है इसकी 1.6 × 10⁻¹⁹। क्या होती है वैल्यू? 1.6 × 10⁻¹⁹। और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितना चार्ज है, अगर हमें किन्हीं दो वैल्यूज का पता हो। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, ध्यान से समझना। चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है? क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम। क्या दिया हुआ है? क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम। क्यू इक्वल्स टू हमें 1 कूलम दिया हुआ है, तो क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम दिया हुआ है। ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻¹⁹।